ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष के द्वारा 9 अप्रैल को निकालने वाले परशुराम मेले के लिए की गई प्रेस वार्ता दी मेले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दें। ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष मदन मोहन गौड और सहयोगी अध्यक्षों के द्वारा चावड़ गेट स्थित ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजित किया गया, जिसमें मौजूद ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष और अन्य अध्यक्षों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार मेले को पूर्ण भव्यता पूर्वक निकाला जा रहा है। इस मेले की शुरुआत आगरा रोड स्थित चित्रकूट बगीचे से पिता परंपरा को छोड़कर परशुराम जी की आद्य वारह पीठाधीश्वर बारह घाट श्री धाम वृंदावन एवं श्री गुफा मंदिर धाम भोपाल परम पूज्य स्वामी रामा प्रवेश दास जी महाराज के द्वारा भव्य आरती का शुभारंभ किया जाएगा। मेले में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा रामदीर उपाध्याय रहेंगी। वह विशिष्ट उत्तर प्रदेश भाजपा दोनों प्रदेश उपाध्यक्ष अलीगढ़ विधायक के साथ ही ब्राह्मण समाज के कई राजनेता और वरिष्ठ जन मौजूद रहेंगे। यह मेला शहर के विभिन्न बाजारों में भ्रमण करते हुए गौशाला पर जाकर विश्राम लेगा। मेले की भव्यता बढ़ाने के लिए प्रथम बार सप्तऋषि मंडल की इसमें झांकियां शामिल की गई है। वहीं ड्योढ़ी प्रथा को आरंभ करते हुए डोरी के माध्यम से जिले के ब्राह्मण समाज सहित सभी जनता को मेले के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही पूर्व में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे सभी विप्रजनों का उनके घर जाकर निमंत्रण देने के साथ ही उनके बक्का पहनकर उनको सम्मानित किया गया। वहीं मेला अध्यक्ष के द्वारा हाथर जिले की जनता से ज्यादा परिजनों सहित मेले में शामिल होने की अपील की गई। साथ ही मेला अध्यक्ष ने विप्र समाज के युवाओं से अपील की है कि आचार संहिता लग रही है और मेले में प्रसाद लाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई युवा ब्राह्मण प्रसाद लेकर मेले में सम्मिलित होता है तो उसे प्रसाद लेकर ब्राह्मण रथ पर रखवा दिया जाएगा। देखिए हाथर सिंह चकपानी की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। वर्तमान में भगवान परशुराम का मेला जो 9 अप्रैल 2024 को जो निकलने जा रहा है, उसमें समस्त विप्र बंधुओं से एवं आम जनता से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मैं परिवार के, मैं अपने इष्ट मित्रों के सहित मेला में स्वयं अपनी भागीदारी रखें और मेले की शोभा बढ़ाए और निकलता रहेगा। हमारा पिछली साल से एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतलब ब्राह्मण मतलब इससे जुड़े, और यही एक कारण है कि हम घर घर जा करके मतलब ब्राह्मण को आप रसीद के साथ में निमंत्रण भी देती है कि रसीद कटाए या ना कटाए पर मेले में जरूर लाए। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल ब्राह्मणों को एकजुट करना है। आपकी बार हम ग्रामीण पठे वर्तमान में